नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश एसयूवी के सामने जिसका नाम है लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट। 2014 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 का सेकेंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में दो मॉडल्स आते हैं, एस जिसकी कीमत है ऑन रोड 67 लाख रुपीज़ और आर डायनामिक एसी जिसकी कीमत है 72 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल आर डायनामिक एसी आप देख रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा डिस्कवरी स्पोर्ट बिक चुकी हैं दुनिया में, जो इसे बनाती है लैंड रोवर का बेस्ट सेलिंग मॉडल। फेमस डिज़ाइनर गैरी मैकगवर्न ने डिज़ाइन किया है स्पोर्ट को। लैंड रोवर फ्रीलैंडर को रिप्लेस किया था डिस्कवरी स्पोर्ट ने। ये 7 सीटर एसयूवी है, सोलर अटेन्यूएटिंग विंडस्क्रीन है, सेफ्टी के लिए यूरो एनकैप ने 5 में से 5 स्टार्स दिए हैं लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट को। और ये फॉग लाइट, फ्रंट सेंसर्स हैं, और ये शेडो एटलस ग्रिल, डिस्कवरी की बैजिंग, लैंड रोवर का लोगो, और ये एलईडी हेडलाइट, DRL, ऑटो हाई बीम असिस्ट, वॉशर, ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग और एनिमेटेड डायरेक्शनल इंडिकेटर्स के साथ, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, सनरूफ है, शार्क फिन एंटेना है, लैंड रोवर का लोगो, और यहां से भरेंगे डीजल। साइड में 17 लीटर का डेफ टैंक है, हीटेड इलेक्ट्रिक पावर फोल्डिंग ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं, अप्रोच लाइट्स, टर्न इंडिकेटर और मेमोरी फंक्शन के साथ, डिस्कवरी की एम्बॉसिंग। 4.6 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, लगभग 2100 केजी कर्ब वेट है, 1500 केजी तक का वजन खींच सकती है, 75 केजी रूफ लोडिंग कैपेसिटी है, 600 mm तक पानी में जा सकती है, 12 मीटर टर्निंग सर्कल है और 212 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और ये 18 इंच के 5 स्प्लिट स्पोक अलॉय व्हील, एक और डिज़ाइन का ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, लॉकिंग व्हील नट्स हैं। ये टॉप मॉडल आर डायनेमिक की बैजिंग। ये रेड कलर आप देख रहे हैं, वाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। इंग्लैंड के हेलवुड शहर में असेंबली होती है डिस्कवरी स्पोर्ट की। रियर लाइट, रियर सेंसर्स हैं, लैंड रोवर का लोगो, रियर कैमरा, ये स्पोर्ट की बैजिंग, D180 डीजल इंजन की बैजिंग, SE टॉप मॉडल की बैजिंग, डिस्कवरी की बैजिंग, रियर वाइपर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये शार्क फिन एंटीना में कैमरा दिया गया है। और ये है LED टेल लैंप एनिमेटेड डायरेक्शनल इंडिकेटर्स के साथ। जैगुआर लैंड रोवर के प्रीमियम ट्रांसवर्स आर्किटेक्चर PTA प्लेटफॉर्म पर बनी है डिस्कवरी स्पोर्ट, जिस पे नई इवोक भी बनी है। ऑल व्हील ड्राइव है एफिशिएंट ड्राइव लाइन के साथ, टॉर्क वेक्टरिंग बाय ब्रेकिंग है, टाइट कॉर्नर्स में बढ़िया कंट्रोल और हैंडलिंग के लिए, ऑल टेरेन प्रोग्रेस कंट्रोल ATPC है कठिन रास्तों में स्टेडी स्पीड मेंटेन करने के लिए, टेरेन रिस्पॉन्स 2 है जो ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से सही टेरेन सेटिंग चूज करके आपको इजी ड्राइविंग में हेल्प करेगा, ड्राइवर कंडीशन मॉनिटर है जो ड्राइवर की थकान को डिटेक्ट करके वार्निंग देगा, मोबाइल रिमोट ऐप से भी आप AC, रेंज, व्हीकल लॉक अनलॉक और लोकेट भी कर सकते हैं, LED हेडलाइट, सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, लो ट्रैक्शन लॉन्च, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री पार्किंग असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंट्रूजन सेंसर, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, आगे पीछे पार्किंग सेंसर, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट, कीलेस एंट्री, रियर कैमरा और 24/7 रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा।
अगर पैसा आपके लिए इश्यू नहीं है तो आप लैंड रोवर स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन से अपनी पसंद की कस्टम डिस्कवरी स्पोर्ट का भी ऑर्डर दे सकते हैं। गैरी मैकगवर्न ने डिजाइन किया है नई डिस्कवरी स्पोर्ट को। यहाँ पीवीबी लैमिनेटेड पिलकिंगटन कंपनी का ग्लास है। और ये सॉलिड फ्यूजी वाइट कलर, ये भी टॉप मॉडल डिस्कवरी स्पोर्ट है। और ये मेटालिक आइगर ग्रे कलर में डिस्कवरी स्पोर्ट आर डायनामिक एसी। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहां आपको मिलेगी 754 लीटर की बूट स्पेस, थर्ड रो ऊपर करने पर 157 लीटर की स्पेस बन जाएगी और सेकंड और थर्ड रो फोल्ड करने पर 1794 लीटर की स्पेस मिलेगी। और ये बूट कवर को आप हटा सकते हैं। ये थर्ड रो के लिए थोड़ी स्पेस है, एसी वेंट है, ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है और ये 12 वोल्ट का पोर्ट है बूट के लिए। यहाँ पे लाइट है, सीट फोल्ड करने के बटन हैं, एसी के कंट्रोल्स हैं, ऊपर एसी वेंट। आइए थर्ड रो को ऊपर कर लेते हैं। तो अब आपको मिलेगी 157 लीटर की बूट स्पेस और ये टूल किट। वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। और ये है 18 इंच का रिड्यूस सेक्शन स्टील स्पेयर व्हील। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। तो 11 स्पीकर्स 380 वॉट का मेरिडियन साउंड सिस्टम मिलेगा स्पोर्ट में। बेस मॉडल में 6 स्पीकर्स 180 वॉट का लैंड रोवर साउंड सिस्टम आएगा। ये वो ट्रिम स्पीकर है, मेरिडियन के स्पीकर, नीचे बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस। और ये है ब्लैक ग्रेन लेदर अपॉल्स्ट्री। 3 हेडरेस्ट हैं, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकेंड रो सीट्स हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं और यहाँ हुक और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। और ये सनरूफ। यहां से सीट आगे होगी स्लाइडिंग और ऐसे दिखती हैं थर्ड रो सीट्स। रेड स्टिचिंग है, हेडरेस्ट को ऊपर कर लेते हैं। काफी लेग रूम है, ऊपर लाइट दी गई है, एयरबैग्स हैं, एक ग्लास होल्डर दिया गया है, उस साइड भी ग्लास होल्डर है। और ये आर्मरेस्ट, 2 ग्लास होल्डर्स हैं और यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दी गई है। यहाँ साइड में भी लाइट दी गई है। यहाँ बूट के पीछे भी 2 लाइट्स आपको मिलेंगे और ये एलईडी लाइट। और यहाँ नीचे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट और एक और यूएसबी पोर्ट। नीचे थोड़ी स्पेस, 2 एसी वेंट्स। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टेयरिंग है, डैशबोर्ड के बीच में लेदर फिनिश है। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। 3 मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं ड्राइवर सीट के लिए, डोर लॉक करने का बटन है,
स्पीकर, आर डायनामिक्स कफ प्लेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं आगे की दोनों। आइए आप ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस है, ऊपर स्पीकर है मेरिडियन का, वुड फिनिश, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन। काफ़ी स्पेस, तीन मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, और ये चाइल्ड लॉक का बटन है। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं, आर डायनामिक्स कफ प्लेट, और ये शायद पेटेंट्स लिस्ट है, और ये टायर प्रेश इन्फॉर्मेशन, 12-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं आगे की दोनों मेमोरी के साथ, 2-way मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, मैनुअली एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम है। और ये ब्राइट मेटल पेडल्स, और ये बोनेट खोलने का लीवर, ये लाइट और बूट खोलने के बटन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और आर्मरेस्ट के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। माइक्रो सिम, 12 वोल्ट और 2 USB के पोर्ट्स हैं। यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर्स हैं, और ये एश्ट्रे कैन। इस कंपार्टमेंट को भी आप निकाल सकते हैं और आपको काफ़ी स्पेस मिलेगी। यहाँ आगे भी थोड़ी स्पेस दी गई है, हिडन स्पेस, और ये ओपन नहीं होता है। और ये है ZF का 9 HP 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्पोर्ट मोड के साथ, और ये वायरलेस चार्जिंग, और ये लाइटर, और ये है 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC, एयर क्वालिटी सेंसर और केबिन एयर आयोनाइजेशन के साथ, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स और ATPC के बटन्स, और ये है 10.25 इंच का टच प्रो इन्फोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिमोट, ब्लूटूथ, नेविगेशन प्रो, रेडियो, FM, वाईफाई और इंटरनेट। ये रियर कैमरा, ऑटोमेटिक पार्किंग, ये नेविगेशन, ये फोन, मीडिया, और ये ब्लूटूथ, ये सेटिंग्स हैं, ये डिस्प्ले थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैप थीम, ये ऑडियो सेटिंग्स, बेस, सबवूफर, इको डेटा, कैमराज, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वैले मोड, और ये वेब ब्राउजर, ये लाइव अपडेट्स, कॉन्टैक्ट्स, ये वॉइस कंट्रोल, ये ब्लूटूथ, एम्बिएंट लाइटिंग, काफ़ी कलर्स हैं, रेड सेलेक्ट कर लेते हैं, 4x4i, ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन, लो ट्रैक्शन लॉन्च, ये व्हीकल डायमेंशंस, ये स्मार्ट सेटिंग्स हैं, और ये इको डेटा, ये एनर्जी इंपैक्ट, 2 AC वेंट, और ये डैशबोर्ड की फिनिश, लेदर फिनिश, और ये ग्लो बॉक्स लाइट के साथ, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ,
और ये मैनुअल डिपिंग रियर व्यू मिरर क्लियर साइट के साथ, जिसका कैमरा रूफ एंटीना पे लगा है। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। दो रीडिंग लाइट्स हैं, ये इमरजेंसी SOS का बटन, ये रोड साइड असिस्टेंस का बटन, और ये है फिक्स्ड पैनोरामिक कॉन्ट्रास्ट रूफ पावर्ड ब्लाइंड के साथ। और ये सनग्लास होल्डर, और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है फोर स्पोक लेदर स्टेयरिंग व्हील। ये फोन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉल्यूम और वॉइस कंट्रोल, और ये क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर के साथ, पैडल शिफ्टर, वाइपर के कंट्रोल्स, और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये है 12.3 इंच का HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और कई इन्फॉर्मेशन। ये व्हीकल सेटिंग्स, व्हीकल इंफॉर्मेशन, पैसेंजर एयरबैग, एक्सटीरियर लाइटिंग, ये डिस्प्ले सेटिंग्स, ये ट्रिप मीटर, ड्राइवर असिस्टेंस, मीडिया, व्हीकल इंफॉर्मेशन सेटिंग्स, ये इन्फो पैनल लेआउट। ये पैनल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप यूनिट्स लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वन डायल का लेआउट चाहिए आपको या टू डायल का या फुल मैप चाहिए। ये मीडिया इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर असिस्टेंस, ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन है। ये डोर पे ट्विटर्स हैं। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजीनियम डीजल इंजन, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन, एग्जॉस्ट वेरिएबल कैम टाइमिंग और हाई एफिशिएंसी वाटर कूल्ड इंटरकूलर के साथ। 177 हॉर्स पावर है, 430 Nm टॉर्क है, 0 to 100 की स्पीड पकड़ेगी 10.1 सेकंड्स में, 188 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और 17 का एवरेज मिलेगा 70 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल वेरिएंट भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, उसमें 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजीनियम इंजन आएगा CVVL सिस्टम के साथ। उसकी होगी 245 हॉर्स पावर, 365 Nm टॉर्क, 0 to 100 की स्पीड पकड़ेगी 7.8 सेकंड्स में, 200 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 12 का एवरेज। ये डीजल इंजन आपको देगा 17 का एवरेज। तो ये था 2000 सीसी इंजीनियम डीजल इंजन। तो कैसी लगी आपको लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।